This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ. इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि कमिश्नर चाहे तो किसी का ऑडिट कॉल कर सकता है. ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, मैंने आपको एफबीआर की वेबसाइट पे एक दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर होम और टैक्स पेयर्स ऑडिट के अंदर ऑडिट पॉलिसी है. ये देखिएगा, ये ऑडिट पॉलिसी आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, ये बस आप इसको अगर पढ़ना चाहें कभी जिंदगी में तो देख सकते हैं. इसमें देखिएगा कि इसमें आ रहा आपके पास एंटीजन ऑफ केस सिलेक्टेड फॉर ऑडिट. ये देखिएगा, तो ये एफईडी के, सेल्स टैक्स के और ये इनकम टैक्स के हैं. तो ये वो तमाम लोग, ये देखिएगा सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ जो आपकी किताब में गिवन था कि आपका जो ऑडिट है वो हो सकता है अंडर सेक्शन 214C. तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखिएगा, ये वो तमाम लोग हैं उनके एंटीजन यहाँ पर गिवन है जिनका नाम ऑडिट में आता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि इनको ऑडिट के लिए कॉल किया जाता है. राइट, ये तो तमाम लोग मौजूद हैं. इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टैक्स डायरेक्टरी देखना चाहें किसी शख्स की, जी बैलेटिंग से आता है, इनका जो प्रोसीजर होता है, तो आपके पाकिस्तान में ये टैक्स डायरेक्टरी हर साल प्रिंट होती है, तमाम लोगों के नाम इसमें आते हैं. ये पार्लियामेंटेरियंस की भी अलग से लिस्ट जो है ना वो पब्लिश होती है. ये आप देखिएगा कि कौन कौन से लोग हैं, उन्होंने कितना कितना टैक्स दिया. अगर आप किसी अपने पॉलिटिशियन का टैक्स देखना चाहें तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं. राइट, जनरल अगर आप टैक्स डायरेक्टरी लेना चाहें किसी पार्लियामेंटेरियन के अलावा नॉर्मल, तो जनरल ये टैक्स डायरेक्टरी ओपन होती है तमाम टैक्स पेयर्स की. ये देखिएगा, यहाँ से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, और ये तमाम लोगों के जो यहाँ पर मेजर सिटीज की कलेक्शन जो है वो ये आ रही है आपके पास कि किन किन सिटीज से क्या क्या कलेक्शन जो है वो मौजूद है. आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर. राइट, ये देखिएगा, ये पहले इस तरह की लिस्ट नहीं देते थे, अब इन्होंने वो देनी शुरू कर दी है कि सिटी वाइज इन्होंने उसकी एलोकेशन कर दी है कि इस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं. राइट, बहरहाल ये मैंने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किया था. अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. पहली बात हमने ये की कि अगर कोई साहब अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो अगर वो कंप्लीट है तो उसको क्या समझा जाएगा, कंप्लीट टैक्स रिटर्न समझा जाएगा और उसी को ही असेसमेंट के जुमरे में लाया जाएगा. अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. बेस्ट जजमेंट, इसको एक्स पार्टी भी कहते हैं, वन साइडेड डिसीजन लेना. ये पार्टी के स्पेलिंग वाई के साथ नहीं है, ये लैटिन वर्ड है वन साइडेड. सेक्शन 121, द कमिश्नर इज एम्पावर्ड. अब देखें सब जगहों पे कमिश्नर आ रहा है, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स, दोनों की, इनकम की और टैक्स की, बेस्ड ऑन एनी कोई भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट. कोई इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है, ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से आ सकती है, आपने गाड़ी परचेज की वहां से उसको मिल सकती है, आपने घर परचेज किया वहां से. राइट, ऑफ हिज जजमेंट इन द केस ऑफ फेलियर बाय द टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर ने क्या गलती की. अच्छा, अब ये एग्जाम में कैसे आपको मिलेगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी फ्रेम्ड, तो फिर आप ये वाले सर्कमस्टेंसेस में लिखेंगे कि ये furnish return of income in response to a notice issued by the commissioner. उसने return file नहीं की, यहाँ actually furnish का word ही आना चाहिए था, यहाँ file का आना चाहिए था. furnish documents के लिए word use होता है और return के लिए file का word use होता है, तो उसने return file नहीं की. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ एक चीज आ रही है, to a notice issued by the commissioner, commissioner ने notice issue किया तो फिर भी आपने return जो है वो file नहीं की. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, हमारे स्टेप्स ये होने चाहिए कि आप जो है वो रिटर्न फाइल करेंगे. राइट, यस आपने कर दी. इफ नो, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर क्या होगा,
कमिश्नर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा, वो आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप इसके बाद रिटर्न को फाइल कर देते हैं, यस और नो। अगर आप रिटर्न को फाइल नहीं करते तो फिर यहां जाके आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। अंडरस्टैंड? तो ये स्टेप होने चाहिए, रिटर्न फाइल की नहीं की, नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो कमिश्नर डायरेक्ट जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे चला गया। ओके जी, जी ये पूछ रहे हैं कि इसमें पेनल्टी पड़ेगी। देखें, अगर आपने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं की, नोटिस भी चला गया, तो फिर तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी उसके अंदर, जो आपने रिटर्न फाइल नहीं की। पहली बात, रिटर्न नोटिस के बाद आपने फाइल नहीं की, रिवेल स्टेटमेंट आपने फाइल नहीं की, प्रोड्यूस अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, और आपसे कहा गया कि ये चीजें आपने मेंटेन करनी थी, आपने नहीं की, और एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल मे हैव रिक्वायर्ड, या कोई आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो आपने वो नहीं दिए। तो तीन बातें कही कि इन तीन कंडीशन में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। नोटिस मिला, रिटर्न नहीं फाइल की, वेल स्टेटमेंट नहीं फाइल की, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए, तो आप इसमें चली जाएंगे। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होगी? जैसे कमिश्नर चाहेगा। दिस असेसमेंट ऑर्डर शैल इंडिकेट, इस ऑर्डर में क्या होगा, इंडिकेट लिखा जाएगा क्या क्या चीजें, आपकी टैक्सेबल इनकम लिखी जाएगी, टैक्स लिखा जाएगा, पे कितना किया इफ एनी, एंड टाइम, वो कौन किस वक्त किस तरह से आप अपनी अपील इसके खिलाफ कर सकते हैं। जब आपके आपके पास ये 121 का नोटिस आएगा तो फिर उसमें प्रॉपर लिखा जाएगा कि हमारे मुताबिक तुम्हारी इनकम ये है, टैक्स ये बनता है, इतना तुम जमा करवा चुके हो, इतना तुमने जमा करवाना और है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इस वक्त इतने दिनों के अंदर इस तरीके से फलां शख्स के सामने आप अपील कर सकते हैं, आपके पास हाई राइट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 5 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स, जिस साल से ये रिलेट करता है उसके 5 सालों तक उसको ऑर्डर दिया जा सकता है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, वैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी इसको लिखा हुआ, ये सारी चीजें इसमें मैंने मेंशन की हुई है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, ऑर्डर्ड बाय द नॉर्मल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, ये जरा आपने दोनों की सुन ली है, दोनों के 5 साल है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के और फर्दर असेसमेंट के, दोनों की मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं। ये आगे एक और टॉपिक आएगा फर्दर असेसमेंट का। लेट्स सपोज, अब देखिएगा, हम कहते हैं जी आज हमारा है 2022, इस साल मैंने रिटर्न फाइल की या नहीं की, मैंने इसकी नोटिस, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की। पहली बात यह है कि इसका नोटिस कब तक आ सकता है मुझे, वो मुझे नोटिस आ सकता है 2022 का 2023, यानी इसके बाद 5 ईयर तक मुझे इसका नोटिस आ सकता है। तो ये देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इस साल का नोटिस 2022 का कमिश्नर मुझे 27 तक भेज सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मैंने जो पिछले सालों में कोई एक रिटर्न फाइल की हुई है यहाँ, तो फिर मुझे इसका नोटिस जो है वो आ सकता है, इन सालों में, सॉरी, मैंने कोई एक रिटर्न फाइल की है तो मुझे नोटिस इसका आगे भी आ सकता है। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब तक हो सकती है? लॉ ये कहता है कि आपने जिस साल रिटर्न फाइल करनी थी, ये देखिएगा जरा, विद इन 5 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, आफ्टर द एंड, ये टैक्स ईयर कब होगा, 30 जून 2022, तो इसके 5 साल तक, टैक्स ईयर के 5 साल तक, तो ये क्या डेट बनेगी, 30 जून 2027 तक इसका नोटिस जा सकता है, यानी इस साल का नोटिस कमिश्नर जो है वो इस साल तक भेज सकता है। अंडरस्टैंड? चले पीछे चलते हैं कि
2022 में किन किन सालों का नोटिस आ सकता है? अगर हम इससे पीछे चलना शुरू करें तो इससे पहले कितने सालों का नोटिस दिया जा सकता है? ये देखिएगा जरा, मैं इसको देखें, इस साल इससे पीछे 5 साल आपने जाना है, 2021, 2020, क्योंकि पिछले सालों का आपको नोटिस मिल सकता है ना एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। हम इसको अपना बेस ईयर बना रहे हैं ना फिलहाल, ये वाला। तो 1, 2, 2019, 2018 एंड 2017। तो यानी इस साल के अंदर वो पिछले 5 सालों तक जा सकता है, ठीक है? इससे आगे वो पिछले 5 सालों तक जा सकता है, यानी 2022 के अंदर वो नोटिस जो है 2017 का जा सकता है। सब्जेक्ट टू द वही कंडीशन है कि अगर उसने 5 सालों तक कोई एक रिटर्न फाइल की हुई है, तो अगर नहीं की तो फिर इससे मजीद 10 ईयर्स बैक वो जा सकता है। इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप ये समझें कि जिस साल की रिटर्न होगी उससे आगे 5 साल, ठीक है? यानी 2022 का नोटिस कब तक जा सकता है? 27 में। एग्जामिनर इससे पीछे भी जा सकता है कि जनाब बताएं, हमें जो है वो 2018 का नोटिस मिला हुआ है और हमारा ये साल है, क्या ये वैलिड है या नहीं? तो आप कहेंगे यस। अगर इस साल 2018 का नोटिस मिलेगा तो आप कहेंगे यस, ये नोटिस वैलिड है 2017 का। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये 2016 का नोटिस आया हुआ है, तो आप कहेंगे ये नोटिस वैलिड नहीं है। समझ आई ना? ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है? बहरहाल ये नंबर गेम्स है, इसमें कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है, नंबर गेम्स है। बस आप अगर इस चीज को याद रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है नोटिस की वैलिडिटी के लिए, कि नोटिस वैलिड है या नहीं है। सेम इसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर किसी ने पिछले 5 सालों तक ये नोटिस नहीं, रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर ये टाइम 5 ईयर तक हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि कमिश्नर अपना फैसला कितने नोटिस के बाद कितने सालों तक सुनाएगा। इफ रिक्वायर्ड मे बी पास विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच नोटिस इज इशू। तो कमिश्नर अपना फैसला उसके बाद 2 सालों तक सुनाने का पाबंद है। कितनी बातें डिस्कस हुई, दोबारा इसमें आते हैं ताकि चीज को जरा अच्छी तरह समझ आ जाए। किन कंडीशन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है, वो ये 3, राइट? क्या इसके खिलाफ अपील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, और उस नोटिस में लिखा होगा। अगली बात, ये इसका टाइम क्या है? तो 5 ईयर्स है इसके, जिस साल की रिटर्न होगी उसके 5 ईयर तक कमिश्नर जो है वो आपको बता दिया जाए। दूसरी बात कि अगर आपने पिछले सालों की रिटर्न फाइल नहीं की तो 10 ईयर तक कमिश्नर इसके पीछे जा सकता है। कमिश्नर नोटिस इशू करने के बाद कब तक जो है वो अपना फैसला सुनाएगा, उसके पास 2 साल है, उसके अंदर उसको फैसला सुनाना है। तो ये था हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, जो कि एग्जाम में बारहा पूछा जा चुका हुआ है। डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर आपको इसका पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर ये टाइम हम कितने सारे टाइम है याद रखें। ये जाहरी बात है, आप प्रोफेशनल लोग हैं तो ये टाइम हमें भी याद रखने पड़े थे, आपको भी याद रखने पड़े, ठीक है? इससे मेमोरी मजीद बढ़ती है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये जो इतने सारे टाइम है वो याद रखते, भाई इससे मेमोरी इंक्रीज होती है। अल्लाह ताला का दिमाग ऐसी चीज है जिससे जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये मजीद कम नहीं होगा, मजीद इंक्रीज होगा। जितनी मेहनत करेंगे इसके मसल्स मजीद मजबूत होंगे, इसमें मजीद डेटा की गुंजाइश बढ़ती जाएगी। दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर जू जू आप इसमें डेटा फीड करते जाएंगे ये एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। तो पूरी जिंदगी तो हम दिमाग का एक बहुत सा छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं उस छोटे हिस्से को भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो भाई फिर उसकी मर्जी है। तो ये ना सोचा करें कि यार इतना मेहनत, भाई जितना ज्यादा डेटा आप स्टोर करना चाहो इसमें स्टोर हो सकता है। ये थोड़ी है कि आपकी मेमोरी जो है वो जनाब ये 500 GB की आपको मेमोरी मिली हुई है, इसके बाद इसने बंद हो जाना है तो आपको कोई खतरा है नहीं। भाई इसके अंदर जितना चाहे डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं आपने लेनी। तो ये था जी हमारी 2 तरह की असेसमेंट हमने डिस्कस की, सेल्फ असेसमेंट जिसमें आपकी रिटर्न जो है वो होती है नॉर्मल, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आती है। ये एक अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, जिसकी मैंने अभी इसको फर्दर अमेंडमेंट भी कहते हैं इसको,
और इसको एडिशनल असेसमेंट भी कहते हैं, रीओपनिंग ऑफ द केस भी कहते हैं, जो कि हमारा सॉरी सॉरी एक हिस्सा। इसकी मैं पहले टाइम फ्रेम आपको बता दूं, फिर आपको समझ आएगी। जो हमारी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, इसको मैं फर्दर असेसमेंट लिख दिया गलती से, ये है अमेंडमेंट, इसका जरा सुनिएगा। अच्छा, इसका और बेस्ट जजमेंट में थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क क्या है ये आपने जरा सुनना है। जो फर्दर अमेंडमेंट होती है ना बेटा, ये होती है जिस साल आपने रिटर्न फाइल की, उस फाइनेंशियल ईयर के आगे जाके, उसके फाइनेंशियल ईयर के आगे 5 साल चलता है। अब दोबारा सुनिएगा, हमारा जो टैक्स पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है लेट्स सपोज जुलाई 1, जुलाई 2020 को, ये उसकी स्टार्टिंग डेट है, और उसकी एंडिंग डेट है हमारी जून 2021। ठीक है, अब इसकी रिटर्न कब फाइल होगी ये देखिएगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये हम करेंगे लेट्स सपोज हम 30 सितंबर 2021 में रिटर्न फाइल कर दी। मैं इंडिविजुअल की बात कर, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट लॉ ये कहता है, अमेंडमेंट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, लॉ ये कहता है कि जिस साल आपकी कोई अमेंडमेंट हुई, तो जाहिर बात है अगर आपकी ये रिटर्न कंप्लीट है, अगर आपकी ये रिटर्न कंप्लीट है, तो इसको क्या समझा जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। इसको समझ के, ये इसी साल आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई। लॉ ये कहता है कि जिस साल आपकी असेसमेंट हो गई, उस फाइनेंशियल ईयर के 5 साल तक आगे जिया जाया जा सकता है। अब देखिएगा, आपने रिटर्न फाइल किया 30 सितंबर को, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है हमारा जून 30th 2022 को। बात जरा ध्यान से सुनिए, मेरा टैक्स ईयर था 2022, मैंने रिटर्न फाइल की 30 सितंबर 2021 में, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर जाके मेरा एंड हो रहा है 30th जून 2022 को। इसके 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद देखिएगा, 22 2023 2024 2025 2026 2027, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी अमेंडमेंट हो रही है, मैंने कोई अपना रिटर्न फाइल की 2021 की नॉर्मल हालात के अंदर, उस साल को निकाल दें, उसके बाद अगले 5 साल तक मेरा जो है वो हो सकती है 30 जून 2027 तक मेरी अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है। अच्छा चले, अगर मैं इस साल को बढ़ा दूं, इसको मैं करूं 2021 और ये एंड हो रहा है 2022 तक, तो रिटर्न कब फाइल होगी इसकी 2022 तक, तो फिर मेरा टाइम जो है वो फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 2023। तो फिर अब यहां से स्टार्ट होगा 2028 तक। अब जरा कंपैरिजन सुनिएगा बेस्ट जजमेंट का और इसका। बेस्ट जजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो साल होगा, दोबारा ये ध्यान से सुनिए बात, टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 22 की रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं कर सके 22 की, तो इस साल का नोटिस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इसके 5 साल बाद की जा सकती है। लेकिन अगर आपने, आपकी अमेंडमेंट होनी है, तो आपका साल है 2022, राइट, 2022 आपका साल है, तो फिर उसकी अमेंडमेंट कब होगी, उसमें अगला साल जिसमें आपने रिटर्न फाइल की उसको निकाल दिया जाएगा, यानी वो शामिल है अमेंडमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि उसके बाद 5 साल चलने शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जैसे ही रिटर्न फाइल की 30th सितंबर 2022 को, तो कमिश्नर का टाइम उस रिटर्न फाइल करने के फौरन बाद अमेंडमेंट के लिए शुरू हो गया। तो यानी अगर आपने इस दिन रिटर्न फाइल की, तो कमिश्नर के पास अमेंडमेंट के लिए सॉरी अक्टूबर 2022 से लेके जून 30th जून 2028 तक का टाइम है, आपकी वो अमेंडमेंट कर सकता है।
जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे उस साल को तो निकाल दें, वो ग्रेस पीरियड समझ लें। उससे फिर जब वो साल क्लोज होगा तो उसके बाद 5 साल तक कमिश्नर आपकी अमेंडमेंट कर सकता है। दोनों में फर्क है, दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको जरा तवज्जो से आपने एग्जाम में देखना है। सॉरी, इसमें फिर दोबारा वही हमारे इश्यूज आएंगे कि नॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब की जा सकती है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है या आपका केस कब तक ओपन किया जा सकता है, फर्क क्या है? दोबारा से, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की थी तो आपका बेस्ट जजमेंट कर दी गई। अमेंडमेंट में क्या इश्यूज है, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है कि आपने टैक्स चोरी करने की कोशिश की, कंसीलमेंट के अंदर आप जाना शुरू हुए, तो फिर उसके बाद किया जा सकता है। इसकी पहले मैं आपको रीजन बता दूं जो लिखा हुआ है, ये देखिएगा, इसकी ये रीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट कब की जा सकती है तो उसकी ये रीजन है, ये वाली। द कमिश्नर इज ऑफ द व्यू दैट द असेसमेंट ऑर्डर इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये जो ऑर्डर था ये रेवेन्यू क्या है, एफबीआर के खिलाफ चला गया। असेसमेंट ऑर्डर कौन सा, नॉर्मली असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होती है। नॉर्मली क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर, जो जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसमें गलत इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से एफबीआर को नुकसान हुआ, ये बात की जा रही है। और द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हैज इनकरेक्टली बीन अप्लाइड, या आपने उसकी एप्लीकेशन गलत की है इन द ओरिजिनल असेसमेंट, जो आपको असेसमेंट की गई। नंबर वन, मिसक्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम, आपकी थी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने डाल दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को उसमें डाल दिया, बिजनेस इनकम को सैलरी में डाल दिया, सैलरी को बिजनेस में डाल दिया। इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, गलत टैक्स आपने जमा करवाया है। कैसे जमा गलत करवाया भाई, आपने रिटर्न जमा करवानी थी, टैक्स बनता था 5 लाख, उसके अंदर आपने लिख दिया मेरा प्रीवियस टैक्स भी एडजस्ट हो रहा है, वो अमाउंट फेक सी अमाउंट डाल के आपने गलत टैक्स जमा करवा दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। इनकरेक्ट क्लेम ऑफ टैक्स रिलीफ एग्जेम्पशन और रिफंड, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी नहीं, आपकी बीवी की थी, आपने वो क्लेम कर ली, हालांकि आपकी वाइफ भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, दोनों क्लेम करी जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके टेनेंट का था, वो आपने डाल लिया, तो इस वजह से आप काम कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये रीजन है कि आपकी अमेंडमेंट की जा सकती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कमिश्नर को ये ख्वाब आएगा? द आंसर इज नो। कमिश्नर के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आएगा आपको कि जनाब बताएं अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अमेंडमेंट कैन बी मेड, तो आप ये लिखेंगे। ये बात अलग पूछी जा सकती है कि व्हाट इज मेंट बाय डेफिनेट इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, तो आप बताएंगे डेफिनेशन डेफिनेट इंफॉर्मेशन से मुराद ये है, द कमिश्नर हैज डेफिनेट इंफॉर्मेशन दैट इनकम डिक्लेयर इज इनकरेक्ट इंक्लूडिंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आपने इनकम को कंसील किया, चोरी किया, और फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स, आपने गलत अपने पर्टिकुलर दिए, बैंक अकाउंट आपने गलत डाल दिया। डेफिनेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड टैक्सेबल सेल्स, सेल आपकी, ये उसके पास प्रूफ होता है, वो लगाता है साथ कि ये देखो फलां जगह से मैंने इसको लोकेट किया। परचेजेस, आपने किसी से परचेज की है, सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, अदर रिसीट्स, बिजली का बिल हो सकता है, सुई गैस का बिल हो सकता है, मोबाइल का फोन हो सकता है, एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और इन्वेस्टमेंट, आपका कोई सराय सराय महल है, बनी गाला आपके पास है, इवन फील्ड हॉल्स है, कोई चीज पकड़ी जा सकती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कोई आपने बहुत बड़ा खर्चा किया, तो ये इसकी डेफिनेट इन्फर। अगर आप अभी कमिश्नर जो है अभी ढूंढ रहा है ये चीजें, तो फिर मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसके पास इसके प्रूफ होने चाहिए, राइट, कि आपने ये काम की, ये चीजें, और फिर आपको ये, यानी ये वो चीजें हैं जिसके अंदर आपकी अमेंडमेंट हो सकती है, और ये उसके प्रूफ उसके पास होने चाहिए ताकि ये चीजें साबित कर सके, ये प्रूफ है और ये चीजें साबित करनी है, ये है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब देखते हैं इसमें, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूं।
This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं जी, अभी हमने पढ़ रहे थे तीसरी हमारी थर्ड, दिस इज द थर्ड असेसमेंट, नॉर्मल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अब आ गई अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट, व्हेन एवर यू फाइल योर टैक्स रिटर्न एंड इट इज कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन, दिस इज deemed to be assessed. Number two, if you do not file your tax return after getting the notice from the commissioner, you may be come under section 121 best judgment assessment. And if you have filed your tax return and there are some problem, you have concealed your income, misclassification, blah blah, to phir aap isme aa sakte hain, aapki amendment ki ja sakti hai after the end of the year in which you have, after the end of the financial year in which you were assessed or deemed to be assessed, उसके 5 साल के बाद आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अब आ गया जी उसके अंदर, हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। The commissioner has power to amend an assessment, बढ़ा सकता है, by making such alterations, changes कर सकता है, as considered necessary to ensure that the taxpayer is liable to correct amount of tax. जितनी चाहे वो alteration उसमें कर सकता है ताकि वो इस काबिल बना दे ताकि सही अमाउंट जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को जाए। एन असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड विद इन 5 ईयर्स, देखिए कैन ओनली 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज इशूड, कमिश्नर ने इशू किया हो और ट्रीटेड टू हैव इशूड द ओरिजिनल असेसमेंट, ट्रीटेड ट्रीटेड सेल्फ असेसमेंट हुई हो उसके उस फाइनेंशियल ईयर के 5 साल के बाद जिसमें असेसमेंट हुई, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के आगे 5 साल, ओके। द कमिश्नर हैज पावर टू मेक फर्दर अमेंडमेंट्स, देखिए एक दफा अमेंडमेंट होगी, पहली दफा अमेंडमेंट कहा जाएगा, उसके बाद जितनी भी की जाएगी वो फर्दर अमेंडमेंट होगी। दोबारा मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके चलता हूं ताकि आपको दोबारा समझने में आसानी। देखिएगा अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, 2000 यानी इस साल 2028 तक अमेंडमेंट हो सकती है, ओके फाइन। आपने पहली अमेंडमेंट कर दी, यहां पर इसको कहा जाएगा अमेंडमेंट। इसके बाद जब भी 2022 की आप अमेंडमेंट करेंगे उसको फिर अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, उसको फर्दर अमेंडमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फर्दर अमेंडमेंट कहा जाएगा। अब फर्दर अमेंडमेंट का क्या टाइम है? अमेंडमेंट के 1 साल बाद क्या हो गया, 2026, यानी अमेंडमेंट पहली हुई तो 1 साल ये आ गया और 5 ईयर ये वाले जो लॉक है वही ओरिजिनल टाइम। इसका मतलब ये वाली जो अमेंडमेंट है ये कब तक हो सकती है मैक्सिमम, अगली इसके बाद फर्दर अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, 28 तक हो सकती है, ओके फाइन। अगर आपने पहली अमेंडमेंट जो है वो यहाँ की, लेट्स सपोज पहली अमेंडमेंट ही कमिश्नर ने कहा कि यहाँ पर जाके, तो फर्दर अमेंडमेंट का क्या टाइम है उसके पास, देखिएगा 27 से 1 साल आगे 28 और 28 विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर डेट होगी 28 तक, तो फर्दर मैक्सिमम फर्दर अमेंडमेंट यहां तक हो सकती है। अच्छा, आपने अमेंडमेंट की पहली यहां पर, फर्दर अमेंडमेंट की लास्ट डेट क्या होगी, यहां तक। आप यहां भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, यहां भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो आपके पास राइट है वो ये कौन सा है, 2028 का। आगे चले, अगर कमिश्नर ने पहली ही अमेंडमेंट जो है की ही यहां पर, तो फिर उसके पास कितना टाइम है फर्दर अमेंडमेंट का, इससे 1 साल उसको और मिल जाएगा, क्योंकि पहली अमेंडमेंट का 1 साल 29 और ओरिजिनल टाइम जो कि 28 है, विच एवरेज लेटर 29। दोबारा सुन ले कि अगर पहली अमेंडमेंट कमिश्नर ने यहां कर दी, यहां कर दी, ठीक है, यहां कर दी, 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 तो फर्दर अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट फर्दर अमेंडमेंट भी टाइम कोई चेंज नहीं होगा, अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट का टाइम सेम रहेगा। लेकिन अगर कमिश्नर ने पहली अमेंडमेंट आखिरी साल जाके की यहां पर, ये उसने अमेंडमेंट यहां किया, तो फर्दर अमेंडमेंट फिर सिर्फ यहां हो सकता। दोबारा सुन लीजिएगा कि आपकी जो 2028 की लास्ट डेट थी 28, तो अमेंडमेंट यहां कहीं भी की गई तो फर्दर अमेंडमेंट का टाइम यही रहेगा,
मजीद मैक्सिमम आप 2018 तक जा सकते, 28 तक जा सकते, लेकिन अगर आपने पहली अमेंडमेंट ही यहाँ कर दी, यानी पूरे इसको इन सालों में छेड़ा ही नहीं है, यहाँ जाके आपने की, तो इससे एक साल 2029 और ओरिजिनल तो यही हमारा टाइम था विच एवरेज लेटर 29, तो फिर कमिश्नर को मजीद एक साल और मिल जाएगा। चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। The commissioner has power to make further amendment as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the financial year. वही same time भी देखिएगा, ये वाला same, and 1 year from the end of the financial year in which the amendment was made. ये मैं आपको explain कर चुका हूँ कि उससे एक साल मजीद और original जो 5 साल है यही है उसका further के लिए उसका time। Before making an amendment or further amendment, an opportunity of being heard. ऐसा नहीं होगा कि आप उसको चुप करके नोटिस भेज देंगे। अमेंडमेंट से पहले उसको बुला के उसको एक मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा टैक्स पेयर को। द कमिश्नर शैल पास अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट ऑर्डर विद इन 120 डेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। बेस्ट जजमेंट में 2 साल थे, कमिश्नर जब नोटिस इश्यू करेगा तो विद इन 2 ईयर्स वो अपना असेसमेंट सुनाएगा। यहाँ पर क्या है, विद इन 120 डेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, मे बी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज बाय द कमिश्नर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम लिमिट ऑन अकाउंट ऑफ, अगर आपने ये सारे टाइम उसमें निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। अडजमेंट ऑफ हियरिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, आप उसकी अर्जेंटमेंट कहते हैं मुलतवी करवाना, आपने कहा जी मुझे कोविड हो गया तो मैं नहीं आ सकता, वो दिन इसमें शामिल नहीं होंगे, वो दिन इसमें शामिल नहीं होंगे। आपने कोई कुछ स्टे ऑर्डर ले लिया हुआ है, आप चले गए हैं किसी अपील में जा चुके हुए, ADC में जा चुके हुए हैं, या इसका है अग्रीड असेसमेंट प्रोसीजर। चले इसको जरा कंक्लूड करते हैं हम अपनी असेसमेंट को, देखिए क्या क्या इश्यूज हमने डिस्कस किए। नंबर वन, हमने इसमें डिस्कस किया कब अमेंडमेंट की जा सकती है, डेफिनेट क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका टाइम फ्रेम क्या है, कमिश्नर कितने दिनों के अंदर अंदर उसको जो है वो नोटिस भेजेगा, उसको अमेंड करेगा। अमेंडमेंट वो कहते हैं जी अमेंडमेंट करेंगे क्यों, बेटा ये मैं पहले बता चुका हूँ, अमेंडमेंट इसलिए करेंगे कि आपने ये हरकतें की है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अमेंडमेंट करेंगे क्यों, आपने टैक्स को नुकसान दिया हुआ है, क्यों, इनकम के हेड को गलत क्लासिफाई किया है, गलत टैक्स जमा करवाया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उसमें वो आए। ये बाकी लोगों को भी कोई मेरी वॉइस का इशू है, ओके अच्छा जी, उसी का ये सेकंड पार्ट है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का, एग्रीड असेसमेंट सेक्शन 120(2)(d), ये उसका लास्ट पार्ट है, अगला पार्ट है उसी का। अगर आपको नोटिस आया कि भाई आप आके अपनी, आपको नोटिस आ गया कि हम आपकी अमेंडमेंट करने लगे हैं, आपने कोई इनकम डिक्लेयर की है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, एक नया सेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। वेयर अ टैक्स पेयर इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट intends to settle his case, he may file offer of settlement before the assessment oversight committee. Assessment oversight committee एक बनवा सकता है, वो कहे जी मेरा फैसला, मैं कमिश्नर के पास नहीं जाना चाहता, हो सकता आप कमिश्नर से तंग हो, बेटा ये amendment मैंने complete करवाना, ठीक है ना, मैंने आगे 2 दिन तो हमारी क्लास हुई नहीं है, तो अब मैंने जरा इसको ये कम्प्लीट करवा Before the assessment, in addition to filing reply to the commissioner, commissioner को कहे जी मैं देखे ना मेरा किसी बंदे के साथ कोई मसला है, मुझे शक है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं क्या करूं, मैं एक लॉ ने ऑफर दे दी कि आप ओवरसाइट असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को अपील करें, उस कमेटी को कि जनाब मेरा फैसला आप सुने, मैं इसके पास नहीं जाना चाहता। कमेटी कौन सी, AOC may call for the record of the case and after affording opportunity of being heard to the taxpayer may decide to accept or modify the offer of the taxpayer through consensus
एंड कम्युनिकेट द डिसीजन टू द टैक्स पेयर। वो जो एओसी होगी वो अपना फैसला कमिश्नर को सुनाएगी और केस को चेंज कर सकती है। समझ आ गई? एओसी को, यानी आप या दो, आपके पास दो ऑप्शन है, या कमिश्नर के पास चले जाए, अमेंडमेंट हुई उसको जवाब दे, जो है फैसला मंजूर कर ले, या आपके पास ऑप्शन है कि उसको जवाब ना दे बल्कि कहे कि जी मेरी जो कमेटी में ले जाया जाए। वेयर द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी, द टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट टैक्स। जो टैक्स पेयर है वो टैक्स डिपॉजिट करेगा, पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज एज पर द डिसीजन ऑफ द, जो कमेटी कहेगी उसकी बात को मान ले। द कमिश्नर शैल अमेंड असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी, और फिर कमिश्नर भी उस कमेटी के फैसले को मान लेगा। द टैक्स पेयर शैल नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट सच अमेंडमेंट। तो फिर टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि किसी अपील में जाए। दोबारा सुन ले, आपको नोटिस आया अमेंडमेंट का, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो उसका रिप्लाई कर दे या कमेटी के पास चले जाए, फिर जो कमेटी का फैसला होगा आपको वो मंजूर होगा और आप उसके खिलाफ कोई अपील में नहीं जाएंगे। जी पेनल्टी पड़ सकती है, वो कह रहे हैं जी टैक्स पेयर को पेनल्टी नहीं पड़ेगी, पेनल्टी पड़ सकती है, आपने कंसीलमेंट की है, कोई हरकत की है तो उसकी पेनल्टी तो है, वो पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है जी, बस ये 2-3 पैरा और रहेंगे इसके। वेयर कमिश्नर हैज नॉट बीन एबल टू अराइव एट अ कंसेंसस, कमेटी जो है अगर किसी कंसेंसस पर ना पहुंच सके, और वेयर द टैक्स पेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी, द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर फॉर डिसीजन। तो फिर केस जो है वो दोबारा कमिश्नर को कहा जाएगा, भाईजान इसको तुम ही सुनो, हमें कोई समझ नहीं आ रही। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, इनके ऊपर कमेटी होगी। अग्रीड असेसमेंट शैल नॉट बी मेड इन केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम और वेयर इन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि आपने इनकम टैक्स, इनकम चोरी की हुई है, कंसीलमेंट है, तो आप चले जाते हैं, नहीं। इसके अलावा अगर कोई केसेस होंगे तो उसमें आप जा सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में आप जो है कब जा सकते हैं, तो आप बता दें कि उसमें कंसीलमेंट और क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, तब आप एग्रीड असेसमेंट में जाएंगे। चले जरा इसको हम आज के से हम सबक को जरा रिवाइज करें कि आज हमने क्या डिस्कस किया। असेसमेंट के अंदर, असेसमेंट में हमने कहा दोबारा कि नॉर्मल असेसमेंट, जो भी रिटर्न कंप्लीट होगी उसको नॉर्मल असेसमेंट कहा जाएगा। पहली बार जो भी रिटर्न कंप्लीट होगी उसको नॉर्मल असेसमेंट कहा जाएगा, और कंप्लीट रिटर्न से ये मुराद है प्रॉपर फॉर्म पे होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, तमाम इंफॉर्मेशन आप इसके साथ डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद है जी कमिश्नर क्या ऑडिट निकाल सकता है, कमिश्नर खुद भी ऑडिट कर सकता है, कमिश्नर किसी ऑडिट पैनल को बना के भी आपका ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। ये बात हमने कर ली, ठीक है। स्पेशल पैनल भी हो सकता है क्या? अच्छा, उसके बाद है जी कि आपका जो है वो डीएस डिटेल स्क्रूटनी में नाम भी आ सकता है अंडर सेक्शन 214C। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करते, वेल स्टेटमेंट नहीं की, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर और आप डिपार्टमेंट के पास आते भी नहीं है, तो फिर आपकी बेस्ट जजमेंट कर दी जाएगी। 5 साल का कमिश्नर के पास टाइम है, और अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर 10 साल का टाइम उसके पास है। अमेंडमेंट कब की जा सकती है? अगर आपने कोई टैक्स रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया, कम टैक्स पे किया, हेड ऑफ इनकम के गलत होने की वजह से, कि गलत टैक्स आप रिटर्न के साथ जमा करवा रहे हैं, गलत क्लेम कर जा रहे हैं, तो फिर इसकी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होगी डिपार्टमेंट के पास, कमिश्नर के पास, फिर आपकी वो अमेंडमेंट कर सकता है, फर्दर अमेंडमेंट भी की जा सकती है। राइट, बेस्ट जजमेंट एक ही दफा होती है, बेस्ट जजमेंट और फर्दर बेस्ट जजमेंट नहीं होती, वो बेस्ट जजमेंट एक ही दफा होती है बस, लेकिन फर्दर अमेंडमेंट आपकी की जा सकती है। अगर आपको अमेंडमेंट का नोटिस आए तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो उसका रिप्लाई कर दें, या आप एग्रीड असेसमेंट 122D में चले जाएं और असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को कहें कि जी आप मेरा फैसला सुने, फिर जो ये कमेटी फैसला सुनाएगी आपके ऊपर और कमिश्नर के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर ये कमेटी को फैसला ना सुना सकी तो दोबारा आप किस में आ जाएंगे, कमिश्नर ही आपका फैसला सुनाएगा, जिसको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कहते हैं। ये था जी आज का हमारा इशू। इसमें आपको कुछ सवालात हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल।
जी मेरा बेटा। आपके बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जी मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, आप पढ़ के दोबारा भी आप पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में क्या बेटा सवाल किया आपने? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में 120 डेज का बता दें। हाँ, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में इन्होंने पूछा है कि जी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट 120 डेज क्या है। जब आपको नोटिस आएगा उसके बाद कमिश्नर आपका फैसला 120 डेज में करेगा, कमिश्नर करेगा। फिर आपको नोटिस आया ना, कमिश्नर के पास भी तो टाइम होना चाहिए, उसने भी तो डिसाइड करना है ना आपका, तो 120 डेज में वो डिसाइड करेगा। दूसरा सवाल है जी कि बेस्ट जजमेंट और अमेंडमेंट का टाइम और डिफरेंस बता दें, क्या होगा दोबारा क्या होगा। ठीक है, बेस्ट जजमेंट का जो टाइम है वो है जिस साल आपने रिटर्न फाइल नहीं की उसके 5 ईयर्स बाद तक आपको नोटिस आ सकता है। आपने 2022 के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके आगे 5 साल तक कमिश्नर आपको पूछ सकता है। जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है उसके लिए टाइम जो है जिस साल की आपने रिटर्न फाइल की, जब जब रिटर्न फाइल की है तो उसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाएगा, उस साल को छोड़ दें, उससे आगे 5 साल तक टाइम जाएगा। ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है जी। और कोई क्वेश्चन हो सकता है जी? ठीक है जी, चले जी, मुझे इजाजत दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में।